वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब तीन वर्टेक्स दिया रहेगा तब कैसे एरिया निकालेंगे, जब चार वर्टेक्स दिया रहेगा तब कैसे एरिया निकालेंगे, जब बहुत सारा वर्टेक्स रहेगा तब कैसे एरिया निकालेंगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक के साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में भी मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिस्कस किया था, राइट। ये टॉपिक जो है 11 क्लास का है और ये आपके कंपटीशन के भी एग्जाम में आएंगे। थोड़ा देखते हैं कैसे इसका शॉर्ट तरीका है इसके बारे में, राइट। चलिए तो देखते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का मेन फॉर्म क्या है। जैसे वर्टेक्स दिया है तीन वर्टेक्स, x1/1, x2/2 और x3/3, तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल मॉडुलस ऑफ हाफ। पहला वर्टेक्स x1/1, सेकंड वर्टेक्स x2/2, थर्ड वर्टेक्स x3/3, यानी तीनों वर्टेक्स लिख देना है और सबसे लास्ट में जो फर्स्ट वर्टेक्स रहेगा उसको लास्ट में लिखना है, राइट। अब इसको क्या आगे सॉल्यूशन करना है जरा देखिएगा। मॉडुलस ऑफ हाफ, देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी x1 × y2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है x2 × y3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है x3 y1, राइट। फिर ऐसे, फिर अब इस तरह से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस x2 × y1 माइनस x3 × y2 माइनस x1 × y3, राइट। तो मतलब एक शॉर्ट तरीका है कि इस टाइप से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और इस टाइप से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। इस पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और बेहतरीन तरीके के साथ, क्लियर। चलिए इस पर क्वेश्चन जरा देखते हैं। देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, ये वर्टेक्स दिया गया है तो कैसे एरिया निकालेंगे, एकदम शॉर्ट तरीके एरिया निकालने का। एरिया इक्वल्स टू मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ हाफ, और इसमें फर्स्ट वर्टेक्स सेट करेंगे 3 और 4 है, सेकंड वर्टेक्स -4 और 3 है, थर्ड वर्टेक्स 8 और 6 है, और फर्स्ट वाला पुनः लास्ट में कर देना है, राइट। तो इस तरह से सेट कर लेना है, मतलब तीनों वर्टेक्स जो लिख देना है और जो सबसे लास्ट में लिखाएगा वो पहला वर्टेक्स है वही सबसे लास्ट में कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है, मॉडुलस ऑफ हाफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 3 × 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है -4 × 6 प्लस इसको इससे, यानी 8 × 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देना है, तो -4 × 4 -8 × 3 -3 × 6, राइट। अब इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, कितना आता है वो देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ हाफ 9 − 24 − +32 − +16 और -24 और -18, राइट। अब यहां पे एक काम करना है, देखिएगा इसको और इसको और इसको ऐड करके और ये तीनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्लियर। तो जरा देखिएगा, मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ हाफ, यहाँ पे 32 में ऐड होगा, यहाँ पे पहले देखिएगा ये आ गया 25 और 25 में 32 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे 2 और 5, 2 और 5 नहीं 2 और 3, 2 5 7, और यहाँ पे ये और ये ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लियर। देख लेते हैं कितना कितना आता है। देखिए मैंने क्या किया कि 57 − 66 यानी आएगा -9 आएगा, तो -9 − 9/2 आएगा, और ये मॉडुलस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 9/2 स्क्वायर, यानी इसका एरिया आ गया 9/2 जो सामने दिख रहा है। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट तरीका से निकाल सकते हैं जब ये तीन वर्टेक्स है। जब चार वर्टेक्स पांच वर्टेक्स रहे उसका थ्योरी क्या होगा, उसके बाद थ्योरी भी देते हैं, उसके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरी सेकंड में है, n वर्टिसेस x1/1 x2/2 x3/3 ……n,
देन एरिया बराबर मॉडुलस ऑफ हाफ एक्स वन बाई वन फर्स्ट वर्टेक्स एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाई थ्री डॉट डॉट एक्स एन वाई एन, यदि सभी एन तक लिख दिया है और सबसे लास्ट में जो सबसे फर्स्ट वाला वर्टेक्स है वो लिखा जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है एक्स वन इंटू वाई टू प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एक्स टू इंटू वाई थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है एक्स एन वाई वन, फिर है इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स टू वाई वन माइनस एक्स थ्री वाई टू माइनस डॉट डॉट, इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है एक्स वन वाई एन। तो ये हो गया, जब बहुत सारा वर्टेक्स रहेगा तो इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है और ऐसे मल्टीप्लाई करके घटा देना है, राइट। जब हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्लियर वे में बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखा जाए, इस पर एग्जांपल देखिए, फाइंड एरिया ऑफ हेक्सागोन कंजुगेटिव हर्टिसेस दिया गया है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका मॉडुलस, जब बहुत सारा वर्टेक्स रहेगा तो कैसे निकालेंगे, इसका आसान सा तरीका है कि सभी वर्टेक्स को पहले अरेंज कर लेते हैं। पहला वर्टेक्स है 5 0, सेकंड वर्टेक्स है 4 2, थर्ड है 1 3, फोर्थ है -2 2, फाइव है -3 -1 और सिक्स है 0 और -4। इस तरह से वर्टेक्स को इंडिकेट कर दिया गया है। अब इसके बाद एक चीज और, जो सबसे लास्ट में होगा वो फर्स्ट वाला पुनः लिखाएगा, ये बताया गया हुआ। चलिए इसको अरेंज कर दिया गया। अब इसके बाद जरा हम देखते हैं, एक लाइन लिखते हैं, यहां पे एक लाइन लिखते हैं मॉडुलस के, है लेते हैं, है लेते हैं मॉडुलस ऑफ हाफ, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 3 प्लस 1 को 2 से करेंगे 1 into 2 प्लस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 into -1 प्लस इसको इससे -3 into -4 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया। अब जरा देखिएगा, अब ऐसे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है 4, 0 माइनस 1 into 2 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो -2 into 3 माइनस इसको करेंगे -3 into 2 माइनस 0 into -1 0 into -1 और -5 into -4, राइट। ऐसे तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया गया है। इसको जरा हम देखिए आगे का सॉल्यूशन करते हैं, मॉडुलस ऑफ हाफ देखिए, यहां पे आएगा 10, यहां 12 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 12 और ये 0, फिर देखिए यहां भी -0 -2 और +6 +6 और 0 + 20, राइट। अब इसका जरा सॉल्यूशन करके कितना कितना आएगा जरा देख लेते हैं। मॉडुलस ऑफ हाफ देखिए, पहले से 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे सबको सभी को ऐड कर देते हैं, राइट। तो ऐड करते हैं तो अब 22 आएगा, 22 2 24 24 और 24 22 36 12 36 36 12 48 48 और 20 68 62 यानी 34 स्क्वायर यूनिट, यानी हो गया 34 स्क्वायर यूनिट जो मैंने सामने इसका एरिया निकाला, जो परफेक्ट आंसर है, क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिखा। अब इस पर जरा हम क्वेश्चन एस डब्ल्यू ग्रुप में देते हैं और वो क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि क्या होगा इसका बेहतरीन आंसर इसके बारे में, राइट। तो चलते हैं इसका क्या होगा नेक्स्ट, इस पर एग्जाम्पल और इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, क्लियर। चलिए इसको जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन।
चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, फाइंड एरिया ऑफ पेंटागॉन हुज कंजुगेटिव वर्टिसेस, ये पांच को वर्टेक्स दिया गया है, ये कौन सा होगा ऑप्शन, इसको जरा सॉल्यूशन करके बताना है और कमेंट बॉक्स में जो नहीं बनेगा तो ही बताना है। और एक और सब्जेक्टिव के रूप में दिया है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, यहाँ तीन को वर्टेक्स दिया गया है, क्या होगा इसका एरिया बनाकर दिखाना है, क्लियर। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर, क्लियर। नहीं बनेगा तो भी बताना है ताकि नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर सॉल्यूशन करें और पूरी तरीके से करें। चलिए तो आज इतना ही, बाकी विशेष फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए थ्योरी नए क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का बेहतरीन टॉपिक, क्लियर।